आता आपण चाललेलो आहोत गुरु शिखर, इथून माउंट आबू पासून 17 किलोमीटर आहे ते। गुरु शिखर को शुरू की शिखर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इसका नाम गुरु दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया था, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है वो एक साधु के रूप में अपने दिनों में इस चोटी पर निवास करते थे। वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। इस शिखर के ऊपर गुफा को उनके स्मरण के रूप में मंदिर के रूप में बदल दिया गया है। गुरु का नाम दत्तात्रेय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आत्रेय और दत्ता। आत्रेय का अर्थ है अत्रि का पुत्र। अत्रि हिंदू पौराणिक कथाओं के एक ऋषि हैं जिन्होंने कई संख्या में भजनों की रचना की थी। यहाँ पर में एक मंदिर भी स्थित है जो दत्तात्रेय की माता अनसुया के समर्पण में बना हुआ है। बता दे कि गुरु दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता था, जिसके चलते यह मंदिर बहुत ज्यादा पवित्र स्थान बन गया है। ये जगह दत्तात्रेय और स्वामी रामनाथ चरणों का घर है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन शिखर माउंट आबू वैधशाला ऑब्जर्वेटरी का घर भी है। ये नवंबर 1994 से पूरी तरह से काम कर रहा है और इसरो की एक सुविधा है। इस वैधशाला को विशेष रूप से आकाशीय पिंडों के ग्राउंड आधारित अवरक्त अवलोकनों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। ये मंदिर शिव टेम्पल शंकर भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे को पूजा करने को मिलेगा। पांचवा जिसे ज्योतिर्लिंग बोलते हैं भारत के अंदर, महादेव का शिव टेम्पल आएगा। यहाँ तीन पहाड़े मंडाग्नि कुंड भरा है, एक सोने चांदी की नंदी बनी हुई जिसका वेट 108 मन 4420 किलो वजनी है। ओके, सामने मंदिर आ गया। जैन तीर्थ में आता है? नहीं, जैन नहीं है। शाला इसरो की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है। गुरु शिखर के पास करने लायक चीजें। अगर आप गुरु शिखर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके लिए सुबह पैदल यात्रा करना दो कारणों से काफी अच्छा साबित हो सकता है। पहला कारण लुभावने सूर्योदय का दृश्य और दूसरा दुकानों द्वारा परोसा जाने वाला नाश्ता। यहाँ रास्ते के किनारे पर स्थित दुकानें बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बेचती हैं और इनकी चाय भी काफी अच्छी होती है। यहाँ आप दिन के किसी भी समय अच्छा भोजन प्राप्त कर सकते हैं। खाने की दुकानों के अलावा यहाँ पर कई ऐसी दुकानें भी है जो सुंदर स्मृति चिन्ह बेचती हैं। यहाँ के आकर्षक दृश्य फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे हैं। अपनी गुरु शिखर की यात्रा के दौरान आप दत्तात्रेय के मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं, जो आपकी यात्रा में एक पवित्र स्पर्श जोड़ देगा। गुरु शिखर के आसपास घूमने की जगहें। जो भी पर्यटक गुरु शिखर की यात्रा कर रहे हैं उनको यहां स्थित भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार के रूप में माना जाने वाला दत्तात्रेय के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। इसके पास अन्य मंदिरों में चामुंडी मंदिर, शिव मंदिर और मीरा मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ स्थित माउंट आबू वैधशाला बेहद खास है। यहाँ एक शांति पार्क भी है जो गुरु शिखर के करीब स्थित है और पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। अगर आप गुरु शिखर जाने के लिए अच्छे समय के बारे जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ की यात्रा का अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीनों के दौरान है। अक्टूबर और नवंबर के दौरान अगर आप इस जगह की यात्रा करते हैं तो इस समय के मौसम में यहाँ अधिक बादल और धुंध हो जाता है। ऐसे समय में गुरु शिखर के लिए चढ़ाई करना बादलों के माध्यम से चलने जैसा महसूस होगा, क्योंकि चारों तरफ धुंध होती है। गुरु शिखर की चढ़ाई के समय सड़क खत्म होने के बाद रास्ते बहुत ही असमान होते हैं, इसलिए बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करते समय आपको सतर्क रहना होगा। गुरु शिखर जाते समय आरामदायक फुटवियर पहन कर जाएं जो अच्छी तरह से जमीन पर टिके रहे। कई जगहों पर चढ़ाई थोड़ी खड़ी हो सकती है, लेकिन इसको पार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। महादेव Vale, vale.
17 किलोमीटर हाइट वर आलेले आहेत आणि आता परिस्थिती एकदम लोक आनंद घेऊन राहिले एकदम. प्रतीक भाऊ पण आलेले आहेत वरती बेबोला घेऊन आलेले आहेत. हाय बेबो, हाय करू का. गुरु शिखर म्हणून स्पॉट आहे एकंदरीत माझ्यासारखे माणसं फिटलेले आहेत. ओके चालेल, ठीक आहे, चालेल चालेल. हे तुम्ही पाहू शकता गुरु शिखर. तर मित्रांनो, तुम्हाला इकडे दिसत असेल की आपण गुरुदेव दत्तांच्या मंदिरामध्ये आलेलो की जे आबू शिखरापासून एक अजून काही किलोमीटर वरती अंतरावरती येऊन 17 किलोमीटर आहे. हां, 17 किलोमीटर वरती अंतरावरती येऊन असं एक डोंगरामध्ये तयार झालेलं एक गुरुदेव दत्तांचं मंदिर आहे. दर्शन करण्यासाठी खूप छान आहे मंदिर. ओके सर.